ग्वालियर में विकास नगर स्थित साईं बाबा मंदिर के पास बनी बैंक ऑफ बड़ौदा में अचानक सायरन बजने से सनसनी फैल गई। सायरन बजने पर जब लोग यहां पहुंचे तो यहां से धुआं उठता दिखा, जिसके बाद यहां के रहवासियों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस दौरान यहां पर रखी हुई फाइलों में तलघर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया गया है। बताया गया कि यहां पुरानी फाइलें रखी हुई थी जिसमें आग लगी है, जिससे पूरे क्षेत्र में धुआं धुआं फैल गया। यहां बता दें कि द्वितीय शनिवार को बैंक बंद थी, वहीं रविवार होने के कारण आज ही बैंक बंद थी। अचानक बजे सायरन से लोग एकदम सकते में आ गए और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना दे दी, जिससे मौके पर पहुंची हाईवे की गाड़ियों की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। ग्वालियर से हमारे संवाददाता लक्ष्मण सेन की खबर। साईं बाबा मंदिर खेड़ापति के पास उसके क्या नाम जहाँ डीपीएस वगैरह लगा हुआ है, यहाँ इनका भद्दी वगैरह रखी हुई, कुछ फाइलें वेस्ट फाइलें रखी हुई, उसमें आग किसी शॉर्ट सर्किट के किसी कारण लगी हुई है, उसी से काफ़ी धुआं वहाँ पैदा हुआ और यहाँ के खेड़ापति कोई वेंटिलेशन नहीं था, ये खिड़की तोड़ी है उसके बाद वेंटिलेशन हुआ, इसलिए धुआं कुछ कम हुआ, उसके बाद आग को कंट्रोल कर लिया गया। कितनी गाड़ी मौके पर आई है? कितनी गाड़ियाँ मौके पर आई हैं? मौके पर दो गाड़ी आ गई हैं, कहीं एक गाड़ी पानी लग चुका है। अभी क्या स्थिति है? अभी कंट्रोल हो चुकी है, आग बुझ चुकी है। क्या नुकसान क्या हुआ? नुकसान अभी तो ज़्यादा गैर रद्दी फाइलें हैं और आजकल तो जो कंप्यूटर ऑनलाइन चल रहा है सभी रिकॉर्ड, तो ये ज़्यादा गए ये वेस्ट फाइलें हैं, रद्दी के रूम में रखी हुई हैं, वो फाइलों में आ गई शॉर्ट सर्किट।